जहां शुरुआत में हम देख रहे थे कि एमसी स्टेन की घरवालों के साथ वाइब्स मैच नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार कह रहे थे कि उनको वापस जाना है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि एमसी स्टेन की फ्रेंडशिप कंटेस्टेंट के साथ हो रही है। जितना उनको घर के अंदर पसंद किया जा रहा है, बाहर भी उतना ही उन्हें प्यार मिल रहा है दर्शकों का। इनफैक्ट जो गेस्ट आते हैं वो उनकी तारीफ करते हैं, सलमान खान ने भी एमसी स्टेन की तारीफ की है। अब इससे पता चल रहा है कि जनता का सपोर्ट फुल ऑन एमसी स्टेन को मिल रहा है। वेल, दो बार वो नॉमिनेशन में आए और सबसे ज्यादा वोट्स उन्हीं को मिले। हर वीक जनता चुनती है कि बिग बॉस की किंग और क्वीन कौन बनेगा, तो इस वीक जो किंग बने हैं वो और कोई नहीं बल्कि आपके एमसी स्टेन रैपर है। जी हाँ, आई फील यू ब्रो एंड यू फील मी ब्रो, तो बन चुके हैं एमसी स्टेन बिग बॉस के किंग इस वीक के। तो फैंस काफी ज्यादा खुश होंगे क्योंकि जिस तरीके से अब एमसी स्टेन खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि उनकी बॉन्डिंग अब हर किसी से बन रही है और वो अपना पक्ष रखते हैं, सही पक्ष रखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बिग बॉस के घर में पक्ष तो हर कोई रख देता है, लेकिन आप कहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हो, किसके लिए कैसा स्टैंड ले रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक के सलमान की तरफ से भी उनको कोई डांट नहीं पड़ी और अप्रिशिएशन काफ़ी मिली है। तो दोस्तों क्या ये कहना कमेंट करके ज़रूर बताइए। एमसी स्टेन के फैन हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।